सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। खबर यूपी के चंदौली से है। जीआरपी व आरपीएफ की टीम ने सोमवार की रात 8:15 बजे स्थानीय रेलवे स्टेशन से एक तस्कर को 1.75 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया। सोना कोलकाता से नई दिल्ली ले जाया जा रहा था। जीआरपी के अनुसार बरामद सोने की कीमत 67 लाख रुपए आकी गई है। पकड़े गए आरोपी के पास 3 पासपोर्ट भी मिले हैं, जिनमें 2 पासपोर्ट एक ही व्यक्ति के हैं। तीनों पासपोर्ट में अक्टूबर 2018 से नवंबर 2019 तक यूएई और बैंकॉक की लगातार यात्रा की गई है, जिसके मद्देनज़र जीआरपी आरपीएफ जांच में जुट गई है। कहीं सोना तस्कर इन देशों से तो नहीं जुड़ा है। सुरक्षा के मद्देनज़र जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त लगातार दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रही थी। सोमवार की रात 8:15 बजे टीम प्लेटफॉर्म संख्या 8 के पश्चिमी फुट ओवर ब्रिज के समीप एक युवक की संदिग्ध अवस्था में दिखा। टीम ने उसे पकड़कर बैग की तलाश ली तो उसमें बंदूक और गोली की तरह आकार में सोने की 4 गुल्लियां बरामद हुईं। जीआरपी थाने लाकर पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम चमन कुमार निवासी 13वीं रानी साम रामसानी रोड 87 लेन थाना न्यू मार्केस कोलकाता बताया। सोने की तौल करने पर इसका वजन 1.75 किलोग्राम निकला। जीआरपी डीडीयू प्रभारी निरीक्षक आर के सिंह ने बताया कि सोना कोलकाता से नई दिल्ली तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। बरामद सोने की कीमत 67 लाख रुपए आकी गई है। तस्कर के आरोपी के पास 3 पासपोर्ट भी मिले हैं। जीआरपी की सूचना पर कस्टम विभाग की टीम आ गई और आगे की कार्रवाई कस्टम विभाग करेगा। ये चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 8 से एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, जो हावड़ा से दिल्ली लेकर के 1.75 करीब 2.25 kg गोल्ड लेके जा रहा था, जिसकी अरेस्टिंग हुई है, जिसकी कीमत करीब 67 लाख रुपए बताई जा रही है। अब अग्रिम कार्रवाई इसमें कस्टम डिपार्टमेंट आ गया है। ये कार्रवाई जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग में हुई है। अब कस्टम डिपार्टमेंट आ गया, अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाए। तस्करों का ये जोन बन गया है मुगलसराय, ऐसे में इतनी बड़ी बरामदगी, क्या आगे भी कार्रवाई चलेगी क्या? हाँ, ये लगातार आरपीएफ जीआरपी लगातार चेकिंग करती रहती है और हम लोग काफी बरामद करते रहते हैं, इस पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।